नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा सारा फिल्म कोई मिल गया 8 अगस्त 2003 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस साल फिल्म की 20वीं एनिवर्सरी के मौके पर फिल्म को 4 अगस्त से 10 अगस्त के बीच थिएटर्स में दोबारा रिलीज किया जाएगा। इस मौके पर डायरेक्टर और ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने फिल्म से जुड़े किस्से शेयर किए हैं। राकेश रोशन ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म के साथ अपने बेटे का करियर भी दांव पर लगाया था। उन्होंने कहा कि फिल्म की कामयाबी ही ऋतिक की इमेज सुधार सकती थी। दरअसल 2000 में रिलीज हुई फिल्म कहो ना प्यार है के बाद ऋतिक रोशन ओवरनाइट सेंसेशन बन गए थे। इस फिल्म को भी उनके पिता राकेश रोशन ने ही डायरेक्ट किया था। इसके बाद उनकी कई फिल्में आई पर ज़्यादातर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। कहो ना प्यारे के बाद ऋतिक रोशन फिल्म फिजा, मिशन कश्मीर, यादें, कभी खुशी कभी गम, आप मुझे अच्छे लगने लगे, ना तुम जानो ना हम, मुझसे दोस्ती करोगे, मैं प्रेम की दीवानी हूँ जैसी फिल्मों में दिखे थे। ये सभी फिल्में 2000 से 2003 के बीच रिलीज हुई थी। इस वजह से रोशन ऋतिक के करियर को लेकर टेंशन चल रही थी। राकेश रोशन ने कहा, मैं भी ऋतिक के करियर को लेकर काफ़ी परेशान था। उनकी पिछली फिल्मों को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। यहाँ तक कि डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ एक बिग बजट फिल्म थी, पर यह भी फ्लॉप रही। मैं परेशान था, मुझे लगा शायद कोई मिल गया देखने भी कोई नहीं आएगा, लेकिन जब मैंने ऋतिक के साथ कोई मिल गया का पहला शॉट शूट किया, मेरा कॉन्फिडेंस 100% बढ़ गया। मुझे पता था कि ये फिल्म हिट होगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।